जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं माय पेट्स क्लिनिक पे और आइए यहाँ पे चलते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या सर्जरी और क्या क्या कुछ होता है। तो यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो उनका नाम डॉक्टर असद है, आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी वर्किंग कैसी है, क्या क्या करते हैं और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का भी सुना है हमने जो स्ट्रे एनिमल्स को ट्रीट कर रही है। तो आइए आज उनका इंटरव्यू करते हैं। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर असद, वेटनरी डॉक्टर हैं। तो सर आप अपने क्लिनिक के बारे में बताइए, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका सेशन कौन सा था, आपका इदारा कौन सा था, प्लीज़ बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने 2009 से लेकर 14 तक मेरी डिग्री भी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, तो अब मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए 9 ईयर हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेट 9 ईयर चल रहा है, 8 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और सर्जिकल फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट हैं, हर तरह की सर्जरीज हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, ब्लड टेस्टिंग, डेंटल स्केलिंग, डेंटल प्रोसीजर हम सारे यहाँ पर कर रहे हैं ना। तो बाकी एक्सरे अगर हम बात करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ मेरे अलावा 6 का वो स्टाफ है। तो बाकी ये है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के साथ ही अटैच है, एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। ये वैसे तो हमने बनाई थी 2013 में, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, मेरे साथ दो स्टूडेंट्स थे मेरे फेलोज, तो हम लोग डिफरेंट विलेजेस में फ्री ट्रीटमेंट कैंप चलाते थे। तो उसके बाद जैसे ये क्लिनिक ओपन हुआ तो हम ये जो कंपेनियन एनिमल्स होते हैं जिनके कैट्स डॉग्स और इसमें साथ डंकीज वगैरह और जितने भी स्ट्रे एनिमल्स आते हैं वो लावारिस होते हैं, रोड पे कहीं पे बीमार अगर हमें मिल जाएँ या इंजेक्ट मिल जाएँ तो हमारे पास कॉल आती है, हम जाकर उसे रेस्क्यू करते हैं तो उन्हें ट्रीट करके छोड़ देते हैं। तो पहले हमारे पास कोई सच कोई फैसिलिटी नहीं थी कि हम उसे एडमिट कर सकें, अभी हमने यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर ओपन किया और दार रोड पर है भावलपुर में, तो हमारे पास जब कॉल आती है हम एनिमल को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद रेस्क्यू सेंटर में उस वक्त तक हम रखते हैं जब तक उनकी ट्रीटमेंट